मानवता के लिए स्वर्ण पदक छोड़ने वाला खिलाड़ी। जी हम बात करेंगे उसी मानवता की जो 10 साल पहले एक खिलाड़ी ने सबके दिलों पर राज करते हुए एक नया संदेश छोड़ा है। ये बात है 2 दिसंबर 2012 की। स्पेन के बुलडा शहर में क्रॉस कंट्री का आयोजन किया था और इस क्रॉस कंट्री में दुनिया भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उसमें से एक खिलाड़ी था अबिल मुताई, जो केन्या का रहने वाला है। इस अबिल का शुरू से उस स्पर्धा में दबदबा रहा। अपने प्रतिद्वंद्वी से वो लगभग 10 या 20 फीट आगे चलता था और देखते देखते ही स्पर्धा भी खत्म हो गई। अबिल मुताही सबसे आगे, बस अभी अंतिम रेखा को टच करने वाला है। उसके मन में क्या है मालूम नहीं, लेकिन वो अंतिम रेखा टच करने से पहले 10-20 फीट पीछे वो रुक गया और उसके पीछे और एक खिलाड़ी था जिसका नाम है स्पेन इवेन फर्नांडिस, जो स्पेन का रहने वाला है। वो 2 नंबर पर चल रहा था। इस इवेन को पता चला कि भाई ये अबिल मुताई क्यों रुक गया, अंतिम रेखा तो आगे है, वो पहले रुक गया। शायद उसको पता नहीं है कि अंतिम रेखा अभी आगे है, वो वही रुक गया। इसलिए इवेन जब उसके पास पहुंचा तो उसने अबिल को बताया कि भाई आगे रेशा है, आगे जो अंतिम रेखा आगे है उसको टच करो। हालांकि उसकी भाषा स्पेनिश थी और वो अबिल मुताही वो केनियन था, स्पेनिश भाषा तो केनियन को समझती नहीं, इसलिए उसने बस खाली देखता रहा उसकी तरफ। इवन को वो भी पता चला कि इसको अपनी स्पेनिश भाषा समझती नहीं, इसलिए अगर चाहता तो इवन फर्नांडिस झट से जा करके अंतिम रेखा को टच करके स्वर्ण पदक हासिल कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पीछे से धक्का दे करके अबिल मुताई को अपने से पहले अंतिम रेखा को आगे उसको भिजवाया और 2 नंबर पे उसने वो लाइन क्रॉस कर दी। जो रेफरी वहां के है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो जिसका जो खिलाड़ी अगर चाहे तो स्वर्ण पदक जीत सकता है, लेकिन वैसे उसने ऐसा नहीं किया। रेफरी के दिल की भी दिल में ये बात बैठ गई और देखते देखते पूरे स्टेडियम में इसी चर्चा होने लगी। जब स्पर्धा खत्म होने के बाद वहाँ के पत्रकारों ने इवन फर्नांडिस को घेर लिया और घेरने के बाद उसको पूछा कि भाई अगर आप चाहते तो बहुत ही आसानी से ये स्वर्ण पदक जीत सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसी टाइम इवन फर्नांडिस का जो जवाब था वो बहुत ही दर्दनाक है और अपने लिए बहुत ही प्रेरणादायक। उसने बोला कि मेरी माँ की सीख है, बेटा मानवता से जियो। और बस जिस टाइम मुझे मानवता सीखने का या मानवता का पाठ पढ़ने का समय आ गया, भाई मैं अपनी माँ को याद किया और जिसका इस स्वर्ण पदक पर हक था अबिल मुताई, उसको वो हक दिलवाया। और उसी टाइम मुझे समझ में आया अगर गलत तरीके से जो चीज़ हासिल करते हैं उसकी कीमत नहीं होती। इवन फर्नांडिस उसको भी हम सलाम करते हैं। और 2 दिसंबर 2012 की बात है, 10 साल के बाद जब ओलंपिक स्पर्धा चल रही है, बस उसी ओलंपिक में सब यही चर्चा है कि सब खिलाड़ी ने, सब लोगों ने इवन फर्नांडिस जैसी जिंदगी या अपना व्यवहार वैसे होना चाहिए जो दूसरे के लिए जीता है, जो मानवता के लिए जीता है। और इसी बीच हम लोग इवन फर्नांडिस के साथ उसकी माँ को भी सलाम करेंगे जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए और उसके साथ ही जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी हम विनती करते हैं कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।